वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, उसके बाद बेल के बटन पर क्लिक करें और इस पर टिक लगाएं और ओके कर दें। वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, उसके बाद बेल के बटन पर क्लिक करें और इस पर टिक लगाएं और ओके कर दें। ओके। आर्टिकल्स, व्हाट आर आर्टिकल्स? डू यू नो व्हाट आर आर्टिकल्स? क्या आप जानते हैं आर्टिकल्स क्या है? बेसिकली हम बचपन से ये चीज पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आती कि है क्या और इस्तेमाल कहाँ होते हैं और क्यों इस्तेमाल होते हैं। किसी को, किसी से अगर सवाल किया जाए आर्टिकल्स क्यों इस्तेमाल होते हैं, तो किसी के पास जवाब ही नहीं है। अक्सर लोग इसकी डेफिनेशन भी नहीं बताते। बेसिकली ये नाउन को वजाहत करता है, नाउन की वजाहत करता है, नाउन को मॉडिफाई करता है, यानी उसको तब्दील करता है। किसी भी नाम को, किसी भी जगह को और किसी भी प्लेस को ये एज अ काउंटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। जस्ट लाइक आ ए, आ या ए, दो साउंड है, आ या ए, लेकिन हम यहां पे ए नहीं पढ़ते बल्कि आ पढ़ते हैं, बिकॉज आर्टिकल्स के लिए ए अल्फाबेट इस्तेमाल नहीं होता, आ होता है। ओके, सो बेसिकली ये इस्तेमाल क्यों होते हैं? ये नाउन को मॉडिफाई करने के लिए, तब्दील करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और ये एग्जेक्टिव है। क्या है? एग्जेक्टिव। अब एग्जेक्टिव क्या है? सही है, बेसिकली एग्जेक्टिव वो होता है जो नाउन की खुसूसियत बताता है। किसी की कोई खुसूसियत बताना वो एग्जेक्टिव कहलाता है। सो आर्टिकल्स इज आल्सो एग्जेक्टिव। आर्टिकल्स इज आल्सो एग्जेक्टिव। आर्टिकल्स क्या है? एग्जेक्टिव है। अब व्हेन आई वाज इन आई थिंक मैट्रिक क्लास, जब मैं मैट्रिक क्लास में था, टीचर टॉक्ट मी देयर आर थ्री आर्टिकल्स, देयर आर थ्री आर्टिकल्स। व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर लाइक यू इन कॉलेज, सो टीचर टॉक्ट मी देयर आर फोर आर्टिकल्स। व्हेन आई वाज इन बीकॉम, सो द टीचर टोल्ड मी देयर आर टू आर्टिकल्स। जब मैं स्कूल में था तो कहा गया आर्टिकल्स तीन है, जब मैं कॉलेज में गया कहा गया आर्टिकल्स चार है, और जब मैं बीकॉम लेवल पे आया तो कहा गया आर्टिकल्स दो है। व्हाट अ कॉइंसिडेंस, इट्स सो फनी। एक देखा जाए आर्टिकल्स चेंज नहीं होते, लेकिन पढ़ाने वालों ने इसको कितना घुमा घुमा के बताया कि मैं परेशान हो गया। मैंने बोला भाई मुझे पढ़ना ही नहीं है, आर्टिकल्स पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि हकीकत क्या है, आर्टिकल्स हैं क्या और कितने हैं, यहीं पे फंसा दिया। लेकिन उनके हिसाब से दे आर राइट, जो कहते हैं आर्टिकल्स तीन है, वो ये कहते हैं ए एन द, ए एन द, देयर आर थ्री आर्टिकल्स। और जो बोलते हैं कॉलेज लेवल पे, व्हेन आई वाज इन कॉलेज दे सेड देयर आर फोर आर्टिकल्स, दे आर राइट। हाउ? लेट्स सी। माय टीचर टॉट मी ए एन द एंड क्रॉस, वेयर अक्सर हमारी फिलिंदा ब्लैंक आती थी आर्टिकल्स की, उसमें डैश डला होता था और ऐसी जगहों पे डैश डला होता जहां आर्टिकल्स नहीं आना चाहिए। अगर वहां हम क्रॉस नहीं लगाते तो वहां पे क्या काट देते थे। सो उनका ख्याल था कि कितना चार है, लेकिन ये गलत है। जब मैं बीकॉम लेवल पे आया तो वो बिल्कुल कैम्ब्रिज लेवल था, बिकॉज वो बिल्कुल सही था, देयर आर टू आर्टिकल्स, जो आप लोगों ने लिखा भी है, देयर आर टू आर्टिकल्स।
There are two types of articles. One is definite article and one is indefinite article. पहला definite article कहलाता है और दूसरा indefinite articles कहलाता है. Definite articles को कहते हैं the, T-H-E, the, सही है? और indefinite articles कहते हैं A-N. Basically A और N एक ही चीज है. दोनों का मतलब पता है क्या है? एक. दोनों का मतलब क्या है? एक. बेसिकली जहां हम वन लगाना चाहते हैं वहां हम आ लगा देते हैं. लाइक आई हैव अ ब्रदर, मेरा एक भाई है. अब मैं ये नहीं बोलता आई हैव वन ब्रदर, आई हैव अ ब्रदर. सो यहां पे आ क्या शो कर रहा है? क्वांटिटी, एक. इसकी डेफिनेशन क्या है? बेसिकली हमें कैसे पता चलेगा? आज हम बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट वेयर वी यूज आ, वेयर वी यूज आ, कि आ हम कहां इस्तेमाल करेंगे. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एन, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द, वी आर टॉकिंग अबाउट आ. ओके, अल्फाबेट ए. ओके, सो वेयर डू वी यूज ए? लेट्स सी. इसका सिंपल सिंपल फॉर्मूला है, यू हैव टू लर्न दिस. ये चीज आप याद कर लें, आपकी गलती कभी नहीं होगी अगर आप ये चीज अंडरस्टैंड कर जाए. पहली चीज, तीन चीजें अगर शामिल हो किसी भी लफ्ज में तो उससे पहले आप आ लगा दो. तीन चीजें शामिल हो, कितनी चीजें? तीन चीजें. हाउ मेनी थिंग्स? थ्री थिंग्स. वन, सिंगुलर. डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंगुलर? एक. हम कहते हैं सिंगुलर प्लूरल, ना? तो एक चीज जो होती है वो क्या होती है? सिंगुलर. पहली शर्त क्या बोल रहा है? जिसके साथ ए आना चाहिए वो क्या होना चाहिए? सिंगुलर. वो क्या होना चाहिए? सिंगुलर, यानी एक. दूसरा, पता चले सर ने बोला तो एक आना चाहिए, कार्स लिखा हुआ, सी ए आर एस, कार्स. भाई कार्स जो है, कार्स वो एक नहीं है, एक से ज्यादा है. सो अगर सिर्फ सी ए आर लिखा हुआ, इट इज अ सिंगुलर. बट इफ इट इज लाइक दिस, सी ए आर एस, सो इट इज नॉट अ सिंगुलर. ओके, सो फर्स्ट सिंगुलर, सेकेंड काउंटेबल. काउंटेबल किसे कहते हैं? जिन चीजों को गिना जा सके. अब कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें गिना जा सकता है? अगर मैं आपको बोलूं आप अपने बाल गिन के बताएं या किसी के बाल गिन के बताएं, बंदरों की तरह तो कर सकते हैं आप लोग, जुए निकाल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते. बेसिकली ये अनकाउंटेबल कहलाते. क्या कहलाते हैं? अनकाउंटेबल. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लॉन्ग हेयर. लॉन्ग हेयर जो होते हैं वो गिने जा सकते हैं, बड़े बाल जो होते हैं वो गिने जा सकते हैं, लेकिन ये जो बाल होते हैं छोटे, ये नहीं गिने जा सकते. इसी तरह शुगर, चीनी नहीं गिनी जा सकती, सॉल्ट नहीं गिना जा सकता, क्योंकि ये किसमें होता है? वजन में होता है, इनका वजन किया जाता है. अंडरस्टैंड? सो काउंटेबल यानी गिना जा सके. पहला सिंगुलर, पहला सिंगुलर, दूसरा काउंटेबल, एंड द थर्ड वन नाउन. हमारी डेफिनेशन क्या थी? मॉडिफाइड नाउन. क्या चीज आ रही है? नाउन. तीन चीजें क्या क्या? सिंगुलर, काउंटेबल और नाउन. अब हम तजर्बा करके देखते हैं कि है ही या नहीं. लेकिन तजर्बे से पहले एक बात बता दूं, कोई भी वाउल साउंड आ जाए जिसको हम वॉवल कहते हैं, वाउल साउंड लाइक ए, ई, आई, ओ, यू, there are four, five vowel sound, okay? अगर ये इसकी निशानी, vowel sound की निशानी है अलिफ की आवाज, इन सब में अलिफ की आवाज आ रही है. ए, अगर ए को लिखो अलिफ से शुरू होगा, ई, ई को लिखो अलिफ से शुरू होगा, आई, आई को लिखो अलिफ से शुरू होगा, ओ, ओ को लिखो अलिफ से शुरू होगा, और यू, यू को लिखो ये से शुरू हो रहा है. लेकिन इसका साउंड यू नहीं होता, बेसिकली इसका साउंड अलिफ ही होता है. लेकिन आपने ये याद रखा, जो भी लफ्ज अलिफ की आवाज दे रहा हो वो हमारे काम का नहीं है, वो हम उससे पहले आ नहीं लगाएंगे. ओके, लेट्स सी.
अब हमें सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहला नाम क्या लिखा हुआ है? अखार, आ खार। कार जो है वो सिंगुलर है, काउंटेबल है, नाउन है, अंडरस्टैंड? तो इससे पहले क्या लगा सकते हैं? आ। इसी तरह बॉय, लड़का। मैंने बॉयज नहीं कहा, मैंने बॉय कहा है। सो सिंगुलर, काउंटेबल और नाउन। सो इससे पहले क्या लगेगा? आ। इसी तरह गर्ल, काउंट, सिंगुलर, काउंटेबल, नाउन। नाम भी है, सिंगुलर भी है और गिने भी जा सकते। अगर कितनी लड़कियां मैं गिन सकता हूँ? 1, 2, 3, 4 गिन सकता हूँ ना। मर्दमशुमारी कैसे होती है? गिनती ही होती है। ओके, अब बाइक। अगर 100 बाइक्स भी खड़ी कर दी जाए तो आप गिन सकते हो, क्योंकि जब मैन्युफैक्चर की जा रही होती है तो काउंटिंग हो रही होती है कितनी प्रोड्यूस हो चुकी है, अंडरस्टैंड? सो इसी तरह यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, आ यूनिवर्सिटी। इसमें देखें यू आ रहा शुरू में, क्या आ रहा है? यू आ रहा है। यू बेसिकली वाउल है, बट साउंड वाउल का नहीं है। साउंड वाउल साउंड का, वाउल साउंड क्या है? अलिफ, अलिफ तो नहीं आ रहा ना। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। तो इसमें क्या है? आ यूनिवर्सिटी, आ यूनिवर्सिटी। इसी तरह देखें यूनिटी, यूनिटी, यूनिटी। इत्तेहाद को कहते हैं, यानी एक साथ एक करने को, आ यूनिटी। इसी तरह यूनियन, आ यूनियन। एक लफ्ज है यूरोपियन, क्या लफ्ज है? यूरोपियन। ये शुरू होता है ई से, किससे शुरू होता है? ई से। ये भी वाउल अल्फाबेट है, लेकिन ये प्रोड्यूस नहीं कर रहा अलिफ का साउंड, तो हमने इसलिए इससे पहले क्या लगा दिया? आ, आ यूरोपियन, आ यूरोपियन। इसी तरह अजू, आ जू। जू क्या है? चिड़ियाघर, सही है, एक नाम है। अ डॉग, आ डॉग। इसी तरह अ वुमेन, एक औरत। अ मैन, एक बंदा। इसी तरह अयाद, सहन, एक सहन, ये एक ही सहन है ना, अयाद। इसी तरह अ हॉर्स, एक घोड़ा। अ हाउस, एक घर। इसी तरह अ होल, अ यूजफुल। लफ्ज आया यूजफुल, कभी भी लफ्ज यूजफुल आए और उसके बाद कोई भी नाम लिखा, अ यूजफुल आर्टिकल, अ यूजफुल इंफॉर्मेशन। सो यूजफुल से भी पहले आप क्या लगाएंगे? आ। इसी तरह नोबल, नोबल फैमिली, नोबल एनिमल, अक्सर लफ्ज आता है, सही है, नोबल शरीफ, अनोबल फैमिली, सही है। तो ये भी नोबल क्या है? बेसिकली दो एक साथ, जब भी दो दो चीजें एक साथ आती है, याद रखना, तो हम उससे पहले आ जरूर लगाते हैं। अ कंप्यूटर, अ कैलकुलेटर। अ कंप्यूटर, एक कंप्यूटर। अ कैलकुलेटर, एक कैलकुलेटर। अ वर्ड, एक अल्फाज। अ बर्ड, एक परिंदा। इसी तरह अ बैगर, एक भिखारी। अभी तक मैंने जितने नाम लिए ये सारे गिने जा सकते थे, नाउन थे। मैंने किसी के साथ एस ई एस का इजाफा नहीं किया हुआ था। मैंने ये नहीं बोला बैगर, मैंने ये नहीं कहा इन वर्ड्स बर्ड्स, आई डिडंट से, बिकॉज इट शुड बी सिंगुलर, काउंटेबल एंड नाउन। अच्छा, एक चीज बहुत अहम है, जरा इस पे तवज्जो कीजिएगा। लाइक जब भी हम पजेशन, इलनेस, रिलेशनशिप, इनके सेंटेंसेस बनाते हैं जो शुरू होते हैं हैव से, आई हैव गॉट या आई हैव, लाइक दिस, आई हैव अ कार, आई हैव अ कार। सो जब भी ऐसे जुमले होते हैं जिसमें हैव आ रहा होता है, उसके फौरन बाद भी आ लगता है, जैसे आई हैव अ मोटरसाइकिल, आई हैव अ बाइक, आई हैव अ बाइसाइकिल। लेकिन वो जो चीज है वो एक होनी चाहिए। अगर मैं बोलूं आई हैव शूज, तो इससे पहले नहीं लगाएंगे।
आई हैव शूज, लेकिन अगर मैं बोलूं आई हैव अ पेयर ऑफ शूज, एक जोड़ी है जूते की, अ पेयर ऑफ शूज। ये याद रखिएगा, हैव के जितने जुमले हैं उसमें एस नहीं लगा होना चाहिए, लेकिन अ पेयर ऑफ शूज क्या है, पूरा दो लफ्ज आ गए। जब दो लफ्ज आ जाते हैं तो वो एक जोड़ी के इस्तेमाल, जोड़ी एक जोड़ी, हम बोलते हैं एक जोड़ी, एक के लिए इस्तेमाल, एक जोड़ी है, आई हैव अ पेयर ऑफ शूज। सो ऐसे बहुत से हैं, ये चीज आती है प्रैक्टिस से, लेक्चर से अगर सब कुछ आ जाए ना तो फिर तो प्रैक्टिस मेन चीज होती है। मैं आप लोगों को प्रैक्टिस इस हफ्ते सिर्फ एक ही कराऊंगा, रोज 15 मिनट्स। आप लोग भी जब आओगे बॉयज टाइमिंग में, गर्ल्स टाइमिंग में, तो आप लोगों को 15 मिनट्स रोज एक पर्चा दूंगा जो आपने सॉल्व करना है, सिर्फ ए का होगा। किसका होगा? ए का। इससे क्या होगा, इट विल इंप्रूव योर आर्टिकल, इट विल इंप्रूव योर आर्टिकल, ओके, ये आपके आर्टिकल्स को इंप्रूव करेगा। नेक्स्ट वीक जब हम एन पढ़ेंगे तो जब तक हमारा ए बिल्कुल पक्का हो जाएगा। सो एन पढ़ेंगे, फिर दा पढ़ेंगे, तीन क्लासेस में ये खत्म हो जाएगा। सही है, अंडरस्टैंड? सो सब मेन चीज क्या याद रखनी है, सिंगुलर, काउंटेबल, नाउन, ये तीन चीजें जिस चीज में आए उस चीज से पहले आप आ लगा दो। लेकिन ऐसा हो डैश डलाओ, पता चला डैश नहीं डलाओ, आपने बोला आ ही लगा दो, सो डैश भी डलाना चाहिए। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड।